सो हेलो दोस्तों, वेलकम माई चैनल। मेरा नाम वीरू, मैं बताने वाला हूँ कीपिंग इमेज क्रिएटर में आप अपनी फोटो को जो जनरेट करते हैं वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं इसमें बताने वाला हूँ कि 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त के लिए ये मैं प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ हूँ। तो इसमें जो फोटो तैयार होने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो 15 अगस्त आने वाला है उसमें जो तिरंगे का कलर होता है वही मैं फोटो को जनरेट करने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो इसमें फोटो जनरेट करनी है उसको उसके लिए एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है बींग ऐप। बींग ऐप आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको एक दिन में 15 कॉइंस मिलते हैं। 15 कॉइंस में आप 15 फोटो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 15 बार जनरेट कर सकते हैं, चाहे एक फोटो एक प्रॉम्प्ट को 15 बार जनरेट करें चाहे एक प्रॉम्प्ट को एक ही बार जनरेट करें। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद इसमें जो भी मैं फोटो यूज करने वाला हूँ, जो भी मैं प्रॉम्प्ट इसमें यूज करने वाला हूँ, उसको जनरेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट तैयार किया जाता है वो आप अपने अकॉर्डिंग में तैयार कर सकते हैं, या फिर जो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे तो आपकी फोटो और भी बेहतरीन आ जाएगी, थोड़ी अलग आ जाएगी, सेम टू सेम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट बताते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं अपने बींग ऐप में। बींग ऐप में जैसे ही हम आएंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया इंटरफेस। सबसे पहले हमको इमेज क्रिएटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इमेज क्रिएटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज़ करने का, जो हमने पहले से ही कॉपी कर लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले से कॉपी कर लिया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमको सिंपली पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ही सेकंड में हमारी फोटो जनरेट होने लगती है। ठीक है, तो जो भी हम इसमें प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी फोटो जनरेट होती है। ठीक है, तो जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम लिखते हैं उसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार हमने प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लिया उसमें हम फिर चेंजेस करके उस प्रॉम्प्ट को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्रॉम्प्ट आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए आप भी अपनी फोटो को इस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फोटो पे क्लिक कर लेंगे। फोटो पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फोटो यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी सारी फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम यहाँ से एक बार और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे हम क्रिएट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट फोटो फिर से जनरेट होने लगेगी। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी फोटो को जनरेट कर सकते हैं आसानी से, और कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो भी मैं हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से इसको आप कॉपी करके आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, 15 अगस्त आने वाला है। ठीक है, 15 अगस्त के लिए मैं आपके लिए नया वाला प्रॉम्प्ट लेके आया हूँ, तो इसको आप यूज़ करके अपनी फ़ोटो को जनरेट कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारी जो फोटो जनरेट होकर आ गई है। इस प्रकार आप भी अपनी फोटो को जनरेट करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, फोटो पे क्लिक करेंगे, जैसे हम फोटो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपनी फोटो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमको फोटो पसंद आती है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और जो नहीं पसंद आएगी उसको हम रहने देंगे। ठीक है, सो दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। इसी तरीके से मैंने बींग ऐप यूज करके काफी सारी फोटो जनरेट की हुई है, जाके आप हमारी जो चैनल है उस पर कई सारे वीडियो ऐसे आए हुए हैं जहां से आप अपनी फोटो को अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं, काफी सारे नए पुराने काफी सारे फोटो को अपनी जनरेट कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना साथ देते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।